हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं विद्यापति मंदिर का पूरा विद्यापति धाम जो है पूरे घुमाने वाला है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से एंट्री हो गया, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है विद्यापति धाम जी का। यहाँ स्टार्टिंग में आपको हम दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे मंदिर इनका विद्यापति धाम जी का बना हुआ है और वो पंडित जी हैं बगल में, साथ में दोनों हैं। देखिए कभी विद्यापति लिखा हुआ उनका नाम है, इधर शंकर भगवान का है। तो आगे आपको जब जाइएगा तो पूरा यहाँ पे मंदिर का मिलेगा। तो ये एंट्री यहाँ पे अभी आप घूम सकते हैं और आगे से जो है यहाँ पे दो गेट है, दोनों से आप विद्यापति धाम घूमने जा सकते हैं। मेन रूप से जो गेट हुआ ना, आप ये हो गया अगर इधर से आइएगा तो, और इधर से आइएगा रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके तो ये गेट हो गया, यहाँ से सामने से आप जा सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए सीढ़ी है, ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको पूरा चीज दिखाएंगे। चलिए चलिए, भाई जी बताएंगे आपको ऊपर जाने के बाद कुछ, तो ऊपर चलते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए आप छत पे आए, यहाँ देखिए तीनों भगवान एक लाइन से हैं, विष्णु जी हैं और बजरंग बली हैं और ये हो गए शंकर जी, तीनों का बढ़िया से दिख रहा है इसलिए ऊपर आए हैं हम लोग। अब भैया जो है कुछ बताएंगे तो इनसे भी जान लेते हैं। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए ऊपर से पूरा जो मंदिर है इस सामने से देखिए पूरा मंदिर है। ये शंकर भगवान का है जहाँ मिलन हुआ था विद्यापति धाम जी का, जो आपको दिखाए हैं वहाँ पे है। बाकी सब पूरे देख लीजिए अराउंड में पूरे मंदिर है। देखिए ऊपर आके दिखा देते हैं, यहाँ जस्ट बगल में जहाँ मंदिर है जस्ट बगल में यहाँ पे स्टेशन भी है। ये स्टेशन से इस रूट से यहाँ देखिए जो बिल्डिंग दिख रहा है इस रूट से स्टेशन का ही बना हुआ है, इस रूट से यहाँ पे आराम से आ सकते हैं ट्रेन से और ये पूरा विद्यापति मंदिर को पूरा घूम सकते हैं। तो ये बगल में ही है तो आप आइएगा ट्रेन से तो ईजी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा ट्रेन से भी आपको लफड़ा नहीं होगा। और अगर गाड़ी से आना है तो आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग के कि वहाँ से है आने का एंट्री है गाड़ी का, तो ये भी बताएंगे भैया जो हैं, अभी बताएंगे ही रहते हैं ये जो आपको दिखाए हैं ये ब्लॉग में, ये पूरे बताएंगे कि इस धाम का जो महत्व है क्या है। तो बताइए क्या है ये धाम का महत्व है। यहाँ भक्त और भगवान का एक संगम स्थल है जो कि विद्यापति धाम के नाम से फेमस है। फेमस है शंकर जी और विद्यापति जी का मिलन मिल जो बना है धाम, इसी वजह से फेमस है, इसी के लिए यहाँ विद्यापति नाम धाम पर रहा जी। महादेव का गर्भगृह मंदिर ये है। हाँ ये मंदिर है, देख लीजिए ये मंदिर है। बता बहुत से लोग यहाँ शादी विवाह मुंडन जनौ इत्यादि के लिए यहाँ आते हैं और लोग बाबा का जैसे सावन हुआ या सोमवारी हुआ या जो भी माने विभिन्न मेला यहाँ लगती है, शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था से यहाँ, तो यहाँ पे सारा जो कार्यभार होता है यहाँ सब विधिगत होता है, यहाँ माने सब व्यवस्था है लोगों का रहने के लिए, रहने के लिए शादी के लिए मंडप वगैरह जो हम दिखाए सब है ना, सारा चीज यहाँ मिलेगा। बहुत माने समझिए कि हर व्यवस्था है जैसे गांव में लोग करते हैं। हाँ 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 पूरा पूरा एक धर्म स्थान है यहाँ और यहाँ पे जो बना हुआ है वो जो था मंदिर शादी के लिए बना हुआ है, विवाह मंडप भी है बगल में जो की आपको हम अगले वीडियो में बताए थे। हाँ दिखाए जी, तो वहाँ पे भी शादी का कार्यभार होता है, उसमें शंकर भगवान का भी विवाह होता है, विवाह होता है, मूर्ति भी बना हुआ वहाँ पे, 56 देवता है वहाँ पे स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठा उनका पड़ा है, तो उसी में शिव जी का विवाह प्रत्येक शिवरात्रि के रोज। और पूरे भारत में अपना विद्यापति धाम जो है कि फेमस है, लोग यहाँ पे बाबा को जलर्पण करके अपने आप को सिद्ध साबित करते हैं। तो देखिए बताएं भैया इतना दी है, आप यहाँ अगर आना है आप आगे घूम सकते हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट करें इनसे मिलिएगा, इनका फोटो वोटो भी क्लिक करते हैं आपका फोटो एल्बम बना देंगे। आप यहाँ पे आइएगा तो इनका काउंटर आपको हम दिखा दिए हैं, तो इनसे फोटो वोटो क्लिक करवा सकते हैं, बढ़िया फोटो ही खींचते हैं और आपको जो जानकारी है टूरिस्ट की तरह ये बता देंगे आपको, तो आप यहाँ आके घूमिएगा पूरा मंदिर घुमा देंगे। तो चलिए हम अपना जो वीडियो है यहीं पे अब समाप्त करते हैं।